नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है क्यों मनाते हैं गोपाष्टमी का पर्व, जानेंगे इसकी पौराणिक कथा और विधि के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। गोपाष्टमी के दिन गाय और गौ वंशों की सुरक्षा, संवर्धन और उनकी सेवा का संकल्प लेकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और विधि के बारे में। अक्टूबर का पूरा महीना त्योहारों से भरा रहा है। कल से नवंबर माह की शुरुआत हो रही है और इसके पहले ही दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह त्यौहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 1 नवंबर को पड़ रही है। इस पर्व पर गाय और भगवान की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। सनातन धर्म में गाय अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। कहा जाता है कि गाय में हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय की पूजा और उसकी सेवा आदि करने से सभी तरह के कष्टों का नाश होता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गौ वंशों की सुरक्षा, संवर्धन और उनकी सेवा का संकल्प लेकर उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और विधि। सबसे पहले बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। गोपाष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर गायों और बछड़ों को स्नान आदि कराया जाता है। इसके बाद गौ माता को हाथ से मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। तत्पश्चात धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, वस्त्र आदि सामग्री से गाय की पूजा की जाती है। अंत में गाय की आरती कर उन्हें चारा खिलाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय की पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा कर कुछ दूरी तक उसके साथ चलना चाहिए। इसके बाद गौ माता के चरण रज को माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे कथा के बारे में। श्री कृष्ण ने जब 6 वर्ष की आयु में कदम रखा तो माँ यशोदा से उन्होंने गाय चराने की इच्छा जताते हुए कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब गोपाल बनकर गाय चराना चाहता हूँ। इस पर माता यशोदा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं तुम्हें जरूर गोपाल बनाऊंगी। उसी समय शंडाले ऋषि का वहाँ आगमन हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण की जन्मपत्री देखकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौचरण का शुभ मुहूर्त निकाला। इसके बाद माता यशोदा जी ने उनका श्रृंगार किया और जैसे ही उन्हें जूतियां पहनाने लगी, उन्होंने जूतियां पहनने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरी गैया भी तो नंगे पैर ही रहती हैं, फिर मैं जूती कैसे पहनूं? गायों का रक्षक होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। गोविंद ने गोवर्धन पर्वत भी मुख्य रूप से गायों और बछड़ों की रक्षा के लिए उठाया था। आज के लिए इतना ही। कथा समाप्त। धन्यवाद।